नमस्ते सदा वसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैंने कश्मीर फाइल्स देखी। वाकई में इस फिल्म को देखने के बाद काफ़ी कुछ समझने को मिला और काफ़ी कुछ देखने को भी मिला, और यही वजह है कि इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए आज के युवाओं को, इस बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस फिल्म में हम कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम इस फिल्म के उस सिनेरियो के बारे में बताएंगे जो कि हकीकत बयां करती है। सबसे पहले दोस्तों, आप में से काफ़ी कम लोगों को कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। मैं थोड़ा सा आपको उसमें फिल्म के हिसाब से बताऊंगा कि उन्होंने कश्मीर को किस तरीके से प्रेजेंट किया है इस फिल्म में। दरअसल कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से पड़ा है, जहाँ के मूल निवासी हिंदू ही थे, और कश्मीरी पंडितों की संस्कृति 6000 साल पुरानी है। और इस फिल्म में किस तरीके से कश्मीर का इतिहास बताया गया है वो भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पर चाहे शंकराचार्य हो, चाहे बड़े बड़े हमारे फिलोसोफर हों, वे सभी यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे, और इन्हीं फिलोसोफर की वजह से कश्मीर का एक समृद्ध इतिहास रहा। लेकिन दोस्तों, फिल्म के अनुसार तुर्किस्तान से आए क्रूर मंगोल मुस्लिम दलूचा ने करीबन 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर में धर्मांतरण करना शुरू कर दिया और एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी। बाकायदा इस फिल्म में ये सब चीजें बताई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इन दलूचा ने नगरों और गांवों को भी नष्ट किया, हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, कई लोग जान बचाकर वहां से निकल गए, और जो धर्मांतरण के बीज बोए गए थे उन्हें इन आतंकियों ने उसको ढाल बनाया और उसी के बेसिस पर कश्मीर में अत्याचार करने शुरू कर दिए। यानी इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से आज के युवाओं को भड़काया जाता है कॉलेजेस में, और साफ तौर पर इन्होंने JNU का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसी की तरह एक यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट किया गया है जिसमें आजादी आजादी के नारे लगते हैं और कश्मीर को भारत से अलग किए जाने की बात करते हैं। यानी कि जहर जो घोला जा रहा है हमारे इन युवाओं के बीच में, उस जहर को ये यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। कश्मीर में सबसे बड़ी बात रही जेनोसाइड होने की, जो केवल कश्मीरी पंडितों का ही नहीं बल्कि जो तिब्बत से निर्वासित होकर जो बुद्धिस्ट वहां पर आए थे, इसके अलावा जो सिख थे, इनका भी जेनोसाइड किया गया। आतंकी बेझिझक होकर लोगों को मारते हैं। जब आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने 25 लोगों को चुन चुन कर मारा, वो वाकई में हृदय विदारक है, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि उस दौरान हुआ क्या था। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जो युवाओं को भड़काने का काम करती है, उनके मुंह पर एक तमाचा मारा है हकीकत बताकर, क्योंकि इस फिल्म में बार बार ब्रेन वॉश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेन वॉश का मतलब है कि आपको पूरी तरीके से हकीकत से दूर करके उनके दिमाग में उन्हीं चीजों को इम्पोज कर देना जो कि झूठ है, जिन्हें बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, सेना को बदनाम करने की कोशिश इन आतंकियों ने किस तरीके से की वो भी इस फिल्म में बताया गया, और इन आतंकियों ने महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, उन सबको भी खत्म किया। इसीलिए जब से 370 हटी है तब से इन आतंकियों के जो हौसले हैं उनको पस्त कर दिया गया है, और जिस तरीके से ठुक रहे हैं ये आतंकी, इनकी ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा किया है कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ। हम वाकई में किसी का साइड नहीं लेते, लेकिन जो चीजें मीडिया ने छिपाई, जो चीज इतिहास को बदल कर छिपाई गई, वो हकीकत यहाँ पर बयां की गई है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी कश्मीर फाइल्स देखने जरूर जाएं, और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया वो चीज आपको देखनी बेहद जरूरी है। इस फिल्म में 1990 के दशक के कश्मीर को दर्शाया गया है, और ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म की कहानी को बयां करती है। कहा जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद गोधरा पर भी फिल्म बनने जा रही है, और इस तरीके के दोस्तों हम लोग उन लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने जिगरा दिखाया इस तरीके की फिल्म को सामने लाने का। ये लोग भी देशभक्त से कम नहीं है जो वाकई में हकीकत को हमारे सामने ला रहे हैं। हालांकि क्रिटिसिज्म आएंगे, कई लोग बोलेंगे इस बारे में कि तुम एक ही तरफ बोल रहे हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिनको अगर ये सब यकीन नहीं करना, वो खुद जाकर के फिल्म देखें और अपना परसेप्शन वो अपना शेयर कर सकते। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो नहीं के साथ नमस्कार।